हेलो दोस्तों, सलाम आदाब, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। जी हां दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आता हूं अपने चैनल पे ढेर सारे वीडियोस आपके ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए, ताकि आपकी कार खरीदने का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो चेंज हो सके। यानी कि आप कार खरीदने से पहले अपनी मनपसंद कार को देख सके मेरे चैनल के थ्रू और डिसाइड करें कि आपको कौन सी कार आपके लिए बेहतर है। जी हां दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक और नया वीडियो लेके, और आज हम बात करने वाले हैं मारुति की नई लॉन्चिंग डिजायर 2 रेसिंग के बारे में। जी हां दोस्तों, सबसे ज्यादा पॉपुलर ये एक टैक्सी कार है, जो हालांकि अभी पहले मॉडल जो आता था उसके बदले में अब नया मॉडल आपको मिलने वाला है। नए मॉडल में क्या खास मिलने वाला है, वही बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार आए, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इस कार को लेने के लिए आपको कितनी डाउन पेमेंट की जरूरत पड़ती है और कितनी डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शन आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस कार के एक शोरूम की शुरुआत करते हैं। इस कार का एक शोरूम शुरू होता है 7,36,000 रुपये, यानी कि जो एक शोरूम पहले आता था वही एक शोरूम आपको इस मॉडल के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। यानी कि जो पुराना मॉडल था बिल्कुल वही प्राइस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है इस कार के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे इस कार की चाबी के साथ में, तो चाबी कुछ इस तरीके से आपको अवेलेबल होती है। जो चाबियाँ हैं वो बिल्कुल बेसिक वर्जन के साथ आपको अवेलेबल होती है, जिसमें गाड़ी को आप इजीली लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। हालांकि जो पहली चाबी थी उसमें आपको सेंटर लॉक का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता था। और ये दोस्तों नए वाले जो मॉडल हैं डिजायर के, उन मॉडल पे ये बेस्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ आपको स्टिकर का एक लोगो मिल जाता है। हालांकि ये एलेक्साई वेरिएंट है, एलेक्साई वेरिएंट के अंदर आपको सीएनजी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और सबसे पहले बात करेंगे इसके ग्लास की, तो ग्लास काफ़ी वाइल्ड आपको मिल जाता है, दो वाइपर के ऑप्शन मिलते हैं। बोनट की अगर बात करें तो सिंपल श्योर बोनट डिज़ाइन आपको मिल जाता है। हेडलाइट की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको हेलोजन लाइट मिल जाती है, जिनमें डुअल चैम्बर का ऑप्शन आपको मिलता है, जिसमें आपको आपका जो इंडिकेटर है वो भी आपको वहीं नज़र आता है। ग्रिल की बात करें दोस्तों, तो ग्रिल काफ़ी वाइल्ड आपको नज़र आती है और सिल्वर एक्सेंट की फिनिशिंग काफ़ी बेहतरीन इस कार को बनाती है और लुक को और भी बेहतर बनाती है। नीचे फोग लाइट की हाउसिंग आपको मिल जाती है, हालांकि फोग लाइट एलेक्साई वर्जन में आपको अवेलेबल नहीं होती है, बट सिल्वर एक्सेंट की वजह से जो लुक है वो और भी डिसेंट आपको नज़र आती है इसके फ्रंट प्रोफाइल में। अब बात कर लेते दोस्तों इसके साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल से गाड़ी कुछ इस तरीके से नजर आती है। डायमेंशन की अगर बात करें तो 4 मीटर के अंदर ही है, 3995 की डायमेंशन आपको मिल जाती है। फेंडर पे आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर का ऑप्शन नजर आ जाता है देखने के लिए। और टायर की अगर बात करें तो व्हील कवर स्टील रिम के साथ अवेलेबल होता है, जिसपे आपको व्हील कैप का ऑप्शन अवेलेबल होगा। और टायर की डायमेंशन की अगर बात करें तो 14 इंची का ट्यूबलेस टायर आपको देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि जो प्रीवियस वर्जन है उससे कुछ फीचर इसके अंदर आपको कम मिलने वाले हैं, बट गाड़ी के अंदर जो स्पेस है वो पहले वाले मॉडल से काफ़ी ज़्यादा आपको नजर आने वाला है। आउटसाइड मिरर की अगर बात करें दोस्तों, तो आउटसाइड मिरर आपको मिलते हैं बिल्कुल बेसिक डिज़ाइन के साथ में, ब्लैक कलर के मिलते हैं और मैनुअली एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ ही आपको नज़र आते हैं। आप इनको बैठे बैठे ही एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि बाहर से आपको एडजस्ट करना पड़ता है ग्लास को भी, आप बाहर की तरफ से ही ऐसे ग्लास को एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं और इस ग्लास को बंद भी कर सकते हैं। ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर की अगर बात करें तो यहाँ पर सेम कलर के कॉम्बिनेशन के साथ ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर आपको नजर आता है। डोर हैंडल आपको ब्लैक कलर के साथ में नजर आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल से कुछ इस तरीके से आपको कार नजर आती है। ऊपर की तरफ सीएनजी का लोगो, एक एंटीना आपको दिख जाता है, डिजायर 2 रेस की बैजिंग आपको नजर आ जाती है और सिल्वर क्रोम की फिनिशिंग के साथ में आपको मिल जाता है इसका बूट गेट का स्टाइल। आप देखेंगे जो बूट गेट है उस पर आपको एक स्टील की सिल्वर कलर की जो बैज है वो आपको नजर आती है पूरी लंबी वाली। रियल लाइट की अगर बात करें तो एलईडी के कॉम्बिनेशन के साथ आपको रियल लाइट्स नजर आती है। बम्पर के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलती है, 4 पार्किंग सेंसर की आईज आपको नजर आती है, 2 रिफ्लेक्टर आपको मिल जाते हैं जो आपकी कार को प्रोटेक्ट करते हैं गाड़ी को रिवर्स करते टाइम। यानी कि जो आपके पार्किंग सेंसर है वो काफ़ी एक्टिव है यहाँ पर और आपकी कार को प्रोटेक्शन देते हैं जब आप कार को रिवर्स करते हैं। अब बूट गेट एक्सेस करके देख लेते हैं क्या आपको नया मिलता है बूट गेट में। तो दोस्तों बूट गेट एक्सेस करने के बाद आप देखेंगे आपको काफ़ी सारा बूट स्पेस मिल जाता है एलेक्साई वर्जन के अंदर। और सबसे अच्छी खास बात है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग सीएनजी फिटमेंट मिलती है, यानी कि आप इसमें 5 साल तक की वारंटी का ऑप्शन भी देख सकते हैं। और एलेक्साई वर्जन में सीएनजी मिलती है तो वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहने वाली है, सिर्फ 7,36,000 रुपये ही कार का एक शोरूम है। और यूटिलिटी की अगर बात करें तो काफ़ी सारा स्पेस आपको इसके अंदर नजर आता है, आप छोटे मोटे 4-5 बैग आराम से सेटल कर सकते हैं। स्पेयर व्हील आपको नीचे की तरफ नजर आता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्पेयर व्हील है और सेम साइज़ का आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। वहीं सीएनजी की इंस्टॉलेशन का देख लेते हैं आपको दोस्तों, पेट्रोल और सीएनजी की फिटमेंट की जगह यहाँ पे दे दी गई है, आप यहाँ पे इजीली सीएनजी को एक्सेस कर सकते हैं, फ्यूल भरा सकते हैं सीएनजी का। और सबसे अच्छी बात है एनजीवी का जो नोजिल है वो काफ़ी बढ़िया सीएनजी रिफिलिंग भी करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा सीएनजी आपको इसके अंदर मिल सकती है।
तो दोस्तों देख सकते हैं ये सीएनजी का नोजल आपको मिल जाता है, पेट्रोल का नोजल आपको बराबर में ही मिलता है। आप ये सीएनजी और पेट्रोल दोनों एक साथ ही रिफिलिंग करा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सीएनजी में आपको जो माइलेज है वो काफ़ी बेहतरीन आपको मिलता है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों जो पीछे वाला कवर है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, किसी भी तरीके का कोई कवर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब पैसेंजर कंपार्टमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी विंडो के बारे में। हालांकि इस मॉडल के अंदर आपको पावर विंडो कोई भी नहीं मिलती है, सिर्फ मैनुअल विंडोज़ मिलती है। बट जो इंटीरियर क्लास है वो काफ़ी डिसेंट रखा गया है, आपको बेज कलर का पूरा इंटीरियर मिलता है। नीचे आपको छोटा मोटा बोतल होल्डर स्पीकर की जगह मिल जाती है और मैनुअल आपको मिल जाते हैं सारे बटन्स देखने के लिए, डोर हैंडल वगैरह। और अगर इंटीरियर की मैं बात करूँ तो काफ़ी क्लासी इंटीरियर आपको इस कार के अंदर मिल जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको सिंगल टोन का एकदम प्रीमियम इंटीरियर नज़र आता है। पीछे की तरफ आपको सीट्स बेल्ट्स रिमाइंडर या आप IFSO सीट्स भी बोल सकते हैं। इंटीग्रेटेड हेडरेस आपको मिल जाते हैं इसके LXi मॉडल के अंदर। और उसके अलावा इंटीरियर की अगर बात करें तो काफ़ी बढ़िया इंटीरियर, लेग रूम स्पेस वगैरह काफ़ी बेहतर आपको नज़र आता है। अगर बात करें थाई सपोर्ट थोड़ी सी हालांकि कम रखी गई है, अगर थाई सपोर्ट थोड़ी सी और ज़्यादा होती तो थोड़ी सी कंफर्टेबल सीट बन सकती थी, बट सफिशेंट लेग रूम आपको यहाँ मिल जाता है। ड्राइवर को ड्राइवर के हेडरेस्ट भी आपको मिलते हैं हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल के ऑप्शन के बिना, यानी कि इंटीग्रेटेड ही हेडरेस्ट आपको यहाँ पर भी नज़र आते हैं। अब बात करते हैं ड्राइवर साइड विंडो में क्या नया आपको मिलता है, तो चलते हैं ड्राइवर साइड विंडो के पास। तो दोस्तों बात करते हैं ड्राइवर साइड विंडो के बारे में। तो ड्राइवर साइड विंडो काफ़ी वाइल्ड आपको नज़र आती है, बेसिक डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, बोतल होल्डर पेपर होल्डर का स्पीकर का स्पेस आपको यहाँ पर भी नज़र आ जाता है, प्लास्टिक ट्रिम आउट देखने के लिए मिल जाती है। और इंटीरियर की अगर बात करें तो ब्लैक कलर एंड बेज कलर का कॉम्बिनेशन रखा गया है, जैसे कि डिज़ायर के अंदर आता है वैसा ही। यहाँ पर आपको सबसे अच्छी बात है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आपको मिल जाता है और टिल्ट स्टीयरिंग भी दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है इस मॉडल के अंदर, यानी कि जो स्टीयरिंग की क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतरीन आपको नज़र आती है और काफ़ी स्टाइलिश फ्लैट होने की वजह से वो लगता है। ड्राइवर को ड्राइवर सीट दोनों ही एडजस्टेबल के बिना आपको मिलती है, यानी कि इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ मिलती है। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, थाई सपोर्ट आपको सफिशिएंट मिल जाती है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात आपको बता रहा हूँ दोस्तों, पहली ये टैक्सी कार है जिसके अंदर आपको हिल होल्ड का फंक्शन देखने के लिए मिलता है। और सीएनजी के बटन तो मारुति की खास बात है कि उसकी यूनिक यूएसपी है कि उसके अंदर आपको प्रीलोडेड ही अवेलेबल होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये इसका फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग जो काफ़ी बढ़िया कंफर्टेबिलिटी के साथ आता है। सुजुकी का लोगो आपको यहाँ मिल जाता है देखने के लिए, एक एयरबैग का ऑप्शन यहाँ नजर आ जाता है, हालांकि हॉर्न बीच में रखा गया है तो हॉर्न यहाँ पे मिल जाता है। बात करते हैं इसके मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की, तो यहाँ पर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको मिलता है बेसिक, जो आपको सिंपल से डिज़ाइन में नज़र आता है, जिसके अंदर एक ही मीटर नज़र आता है स्पीडोमीटर, और थोड़े से डिजिटलाइजेशन के कुछ फंक्शन आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। इसी इवेंट की अगर बात करें तो सिल्वर फिनिशिंग के साथ सिल्वर एक्सेंट की फिनिशिंग यहाँ मिल जाती है इसी इवेंट में देखने के लिए। म्यूजिक स्टीरियो के लिए स्पेस आपको मिल जाता है, हालांकि म्यूजिक स्टीरियो LXi वर्जन है तो यहाँ नहीं मिलता है। एसी के मैनुअल बटन्स आपको मिल जाते हैं, नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। और इसके अलावा दो कप होल्डर आपको फ्रंट में नजर आते हैं, देख सकते हैं दो कप होल्डर है। गियर नोब आपको मिल जाती है बेसिक सी नज़र आती है, जिसपे कोई क्रोम की फिनिशिंग नहीं है, बट सिल्वर एक्सेंट की फिनिशिंग आपको यहाँ नजर आती है इसके बॉर्डर पर देखने के लिए। को ड्राइवर साइड में आपको डैशबोर्ड पे ही एक एयरबैग का ऑप्शन मिल जाता है, छोटा मोटा यूटिलिटीज बॉक्स मिल जाता है आपको, ग्लोव बॉक्स जिसमें आप ज़्यादा सामान तो नहीं रख सकते हैं। बट को ड्राइवर साइड में आपको यहाँ पर मिल जाता है बोतल होल्डर पेपर होल्डर का स्पीकर का स्पेस। सबसे खास बात आपको स्पीड लिमिट मिलती है 80 किलोमीटर पर आवर की, यानी कि ये कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलती है। तो दोस्तों को ड्राइवर साइड में आपको बेसिक सनवाइजर मिल जाता है देखने के लिए। उसके अलावा अब जो बैक व्यू मिरर है वो बिल्कुल बेसिक मिलता है इसमें, किसी भी तरीके का नाइट वगैरह को एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। दूसरी तरफ टिकट होल्डर भी आपको मिस आउट मिलेगा, यहाँ पर टिकट होल्डर का ऑप्शन भी आपको ड्राइवर साइड में नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये है अंदर का इंटीरियर जो आपको डुअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ नज़र आता है डिसेंट। सबसे अच्छी बात है कि इसका जो इंटीरियर है वो काफ़ी क्लासी और काफ़ी डिसेंट है इस सेगमेंट के अंदर, और काफ़ी फ्रेश फील कराता है जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कार के इंजन के बारे में। तो कार का बोनट जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको एक कवरिंग नज़र आती है जो आपके इंजन को, इंजन का जो नॉइस है उसको कवर करता है, इंजन के अंदर जो कंपार्टमेंट है वहाँ पे नॉइस कम से कम आपको पहुँच सके, और बोनट भी आपका सेफ रहे हीटिंग की वजह से। तो उस पर एक इंसुलेशन दिया गया है जो अलग तरीके का फैब्रिक यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। बाकी दोस्तों बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। 1.2 सीसी का सेम इंजन आपको मिलता है जो आपकी नई डिज़ायर में देखने के लिए मिलता है, जिसके माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 23 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल के अंदर माइलेज क्लेम किया जाता है, और सीएनजी के अंदर काफ़ी बेहतरीन एवरेज क्लेम किया जाता है, 31 किलोमीटर पर किलोग्राम का एवरेज क्लेम किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सीएनजी जो डिज़ायर टूर आप लेंगे या LXi वर्जन, इसमें भी ये सेम माइलेज आपको देखने के लिए मिलेगा।
हालांकि इस कार के अंदर आपको काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स भी मिलने वाले हैं। नए सुजुकी हाईटेक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड ये कार आपको मिलती है, जिसके अंदर सेफ्टी की पूरी सुरक्षा आपको मिलने वाली है। उसके अलावा दो एयरबैग, ABS, CBD, पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इसके अलावा नया आपको हिल होल्ड भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी दोस्तों इसकी डाउन पेमेंट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, वो मैं भी आपको स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ कितनी डाउन पेमेंट, कितना लोन आपको इजीली हो सकता है इसके अंदर। बाकी दोस्तों आप डाउन पेमेंट या किसी भी तरीके का कोई भी कंक्लूजन चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, तो आपका सवाल मुझे मेरे इंस्टा चैनल पे आके विजिट करके मुझे इंस्टा पे अपना कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपका रिप्लाई इजीली कर सकूं। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो कंटेंट लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास अवेलेबल हो जाए। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि ये सब आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ही बने हैं। जल्दी मिलते हैं अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।